गांव की जन सुनवाई थी। लोग अपनी अपनी समस्या लेकर मंत्री के दरबार में पहुंचे थे। वहीं एक कोने में खड़ी थी शनिचरी। पूरा नाम शनिचरी उराव है। शनिचरी थोड़ी परेशान सी थी, बहुत ज्यादा बेबस थी। हमने पूछा कि हुआ क्या है, इतनी परेशान क्यों है, तो कुछ बोली नहीं, बस फूट फूट कर रोने लगी। क्यों रोई शनिचरी, क्या है उसकी पीड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। ये शनिचरी उराव है, रांची के किशोरगंज की रहने वाली। पिछले 4 साल से सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है एक अदद वृद्धावस्था पेंशन के लिए। लेकिन कमबख्त ये वृद्धावस्था पेंशन न होकर के मृग मरीचिका हो गया, जो दिखता तो है पर मिलता नहीं। आज भी शनिचरी बस इसी उम्मीद के साथ मंत्री रामेश्वर उरांव की जन सुनवाई में पहुंची कि वृद्धावस्था पेंशन न सही, कम से कम पेंशन का आश्वासन ही मिल जाएगा। पर आश्वासन के घूंट इतने मीठे थे कि शनिचरी जन सुनवाई में ही फूट फूट कर रोने लगी। क्या करें, गरीब है ना, इतना मीठा पचाने की आदत ही नहीं है। शनिचरी के एक एक आंसू सवाल पूछ रहे थे कि क्या झारखंड हमारे लिए ही बना था? क्या एक वृद्धावस्था पेंशन के लिए पूरी जिंदगी गुजार देनी होगी? क्या तमाम तरह के वादे, तमाम तरह के दावे बस खोखले थे? सरकार आपके द्वार सिर्फ एक दिखावा था। इन आंसुओं का जवाब मंत्री रामेश्वर उरांव के आश्वासन में मिला। इनका देखिए, ये कहीं न कहीं छूट गए। ये कहते हैं कि हम पहले से तैयार हैं दरखास्त। तो इनसे मैंने पूछा कि रसीद है, तो रसीद नहीं है, है ना? कहीं न कहीं ये ठगे गए हैं। लेकिन अब इस बार नहीं ठगे जाएंगे कि मैंने SDO से बात किया, उन्होंने कहा कि हमारे पास भेज दीजिए, सबका बनवा देंगे, बसरते इनका उम्र 60 साल हो गया होगा, है ना? तो चारों को उम्र 60 साल हो गया है लगभग, इनका आधार कार्ड के अनुसार 60 साल से ऊपर है, तो इनका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। शनिचरी तो बस एक वानगी भर है। शनिचरी की जैसी न जाने कितनी महिलाएं बस अपने हक और अधिकार के लिए रांची के न जाने कितने किशोरगंज चौक से कितने मंत्री दरबार तक बस भटकती रह जाती। लेकिन उन्हें अधिकार नहीं मिल रहा, बस चप्पल घिस जा रही है। और यही कारण है कि शनिचरे के आंसुओं पर भी आंकड़ों वाली सियासत हो रही है। के द्वार के माध्यम से राज्य सरकार ने दावा किया है कि 35 लाख लोगों में से, उनमें से 35 लाख में से 21 लाख लोगों का समस्या का समाधान किया। आप राज्य के प्रखंड कार्यालयों का स्थिति आज आकलन कर लीजिए, न तो वृद्धा पेंशन मिला, न विधवा पेंशन मिला, न किसी प्रकार दिव्यांग पेंशन मिला। कई जिलों में दिव्यांगों को लेकर के बैठकें नहीं होती है। जनता दरबार, जन सुनवाई, सरकार आपके द्वार, रास्ता कोई भी हो, मतलब तभी बनता है जब शनिचरी जैसी महिलाओं को उनका हक मिल सके, वरना ढकोसला और आडंबर से भला आज तक किसका भला हो सका है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।